सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की गुड मॉर्निंग मैं कर रहा हूँ, सबको गुड मॉर्निंग, वो भी परी के साथ। गुड मॉर्निंग हो रही है, गुड मॉर्निंग कर दो, हेलो कर दो, हेलो हेलो गाइस, हाय कर दो। नहीं आज तो परी नोनी फ्राकी पहनी आई हुई है, नोनी ड्रेस है, हैं ये कैमरा के आगे इसको कुछ चुप हो जाती है ना, अभी सो के आई है ना के। हाँ परी, चाची भी धोनी फ्राकी लाई है, दिखाए दिखाए चाची, चलो चाची भी दिखाते हैं, दिखाना आ जाओ, ये देखो ये भी धोनी फ्राकी। सो गाइस, अभी मैंने ना क्रोवियर से अपना नाइट सूट मंगवाया था, तो वही आया था परी के साथ, आप लोगों को भी दिखा रही थी। ये देखो चाची का ये जैसा आपका पजामा है ना, ये चाची का पजामा है और ये चाची की टी शर्ट है। हाँ ये देखो और देखो इसके पीछे क्या है, ये देखो परी अच्छा लगा स्माइली। और चाची के पास देखो पॉकेट, चाची के पास पॉकेट नहीं है, है ये भी चाची की पॉकेट, ये भी जेरी पॉकेट, दूसरी साइड भी है, ऊपर नहीं है चाची के पास पॉकेट, परी के पास तो ऊपर पॉकेट है ना। अच्छा लगा परी, अच्छा है। आ जाओ गली बांधो, इसी खुशी में गली बांधो, तो आ रही है मेरे पास। पारी करोगे? पारी भी कर दो मुझे, ये तो प्यारी बच्ची है। दादी के साथ, दादी को नया क्लिप दिखा रही है। बोल चल, क्या लगाया सर पे? ठीक क्या लगाया? ठीक है, नया लाए हो? कौन लाया? कौन लाया? कौन लाया? ये तो दोनों बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हीरोइन बन के आ गई सुबह सुबह, जा रहे मम्मी विराम। हाँ सो गाइस, मम्मी की तबीयत ना थोड़ी हो रही है, खांसी ज्यादा हो रही है, तो मम्मी कह रहे 2 दिन के लिए ना एडमिट ही हो जाते हैं। तो मम्मी पहले भी, मतलब शादी से पहले भी एडमिट हुए थे, तो 2 दिन बाद ठीक होकर आ गए थे। अब ज्यादा हो गई आपको? हम तो ट्राई कर रहे थे कि मम्मी को जरूरत ही ना पड़े, देख रहे थे कि ठीक हो जाए, बट नहीं हो रहे। कोई नहीं, बट अब 2 दिन में ठीक होके आ जाना, फिर बिल्कुल वो नॉर्मल हो जाते हैं। फिर मन्नू कह रहे थे बिल्कुल मम्मी एकदम ठीक होके आ जाते हैं। हाँ, वो इंजेक्शन वगैरह दे देते हैं, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर लेते हैं, बंदा ठीक हो जाता है। हाँ, ये मौसम भी अभी चेंज हुआ है ना, मौसम चेंज हो जाता है तो ज़्यादा हो जाता है। हाँ, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, इन दो मौसम में ज़्यादा हो जाता है। अभी तो मम्मी का तो बिल्कुल खांस के पूरा फेस रेड हो जाता है, इतना ज़्यादा खांसी आ जाती है। सब चीज़ें कर ली, दवाई ले ली, इनहेलर ले रहे हैं, नेबुलाइजर कर रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, पर असर ही नहीं हो रहा। तो फाइनल यही डिसीजन लिया, अभी भैया के पास जाके भी बाकी भैया बताते हैं क्या करना है। छोड़ो, नीचे चल लेते हैं, फिर आ जाओ। मम्मी तो चले गए, बस अभी रोटी बनाई है, इन साथ में बनी हुई है भिंडी की सब्ज़ी, वो मैंने आज सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो अब फ्री हुए हैं, घर के तो सारा काम हो चुका है, सारा घर एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है, कपड़े भी धुल गए, चादर धोई थी आज, तो मैंने कहा चलो अब फ्री होकर अपना लंच करते हैं। सो गाइस, मम्मी तो चले गए थे एंड मन्नू आए थे, लंच करके चले गए थे, और क्या कहते हैं फिर ऊपर आई, रेडी हुई, थोड़ा रेस्ट करा, और क्या कहते हैं मम्मी जब चले जाते हैं तो मैं बोर हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, मम्मी के साथ ना मैं बातें करती रहती हूँ, मम्मी के साथ बैठी रहती हूँ, मम्मी और मेरा दोनों का हम लोगों का अच्छा टाइम पास हो जाता है। अब मम्मी उधर हॉस्पिटल में, मैं यहाँ पे, तो थोड़ा बोरियत हो जाती है, ऐसे ही दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और अब फिर मैंने कहा नीचे जाके देखती हूँ, सब्जी वब्जी जो ख़त्म है वो लेकर आती हूँ, और थोड़े से बर्तन धोने हैं वो करती हूँ, फिर जब से पूछती हूँ रात को क्या बनाना है, क्योंकि सबकी पसंद का खाना बन जाए तो सबसे बेटर है। अब बस अभी जाती हूँ नीचे। सो गाइस, मैं अभी बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज। मैंने आलू दा इसी शेप में कट करे, लंबे शेप में कट करती हूँ तो बहुत देर लग जाती है उन्हें बनने में। सो गाइस, आलू मैं अभी फ्राई कर रही थी, ऑलमोस्ट फ्राई हो ही चुके हैं देखे, तो 5 मिनट के लिए और रह गए थे, तो अभी मैंने निकाल ली है
हुआ क्या कि ना, पहले हमने सोचा हुआ था कि पापा आएंगे, पापा के साथ हम लोग मम्मी को हॉस्पिटल देखने जाएंगे, और तो बट मन्नू का भी फोन आया कि पापा सीधा ही हॉस्पिटल पहुंच गए, तो मन्नू बोल रहे बस मैं भी आ गया हूँ तो फिर खाएंगे बाद में, पहले हम भी हॉस्पिटल चल लेते हैं। तो इसलिए मैंने भी आलू निकाल दिए, मैंने कहा भी धो आ कर ना फिर दो तीन मिनट और फ्राई करके फिर मसाला वसाला डाल दूंगी। और मैंने यहाँ पे ना आज डिनर में बना रही थी, क्या कहते हैं ये, आलू मटर वाली चावल बना रही थी, तो तड़का मैंने लगा दिया है, आलू काट कर पानी में डाल दिए, मटर भी धो दिए, बस आकर फटाफट तड़का तो रेडी हो चुका है, आलू मटर और चावल डाल के सीटी लगा के बस वो जल्दी काम हो जाएगा। और साथ साथ अभी बर्तन ही धो रही थी, थोड़े सी ये बर्तन तो धो ही गए, बस अब सारा शेल्फ को साफ करना रह गया, जल्दी से कर लेती हूँ वो भी मैं। तो मन्नू बस आए थे और सीधा हम फटाफट भाग कर यहीं कर आ गए, फटाफट मन्नू ने स्कूटी चलाई और हॉस्पिटल भी आ गए मम्मी का हाल चाल पूछने के लिए। हमने कहा चलो मम्मी का हाल चाल पूछ ही लेते हैं। हाँ भैया वहाँ से पता किया तो फर्स्ट फ्लोर पे है और पता ही था, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता था, तो अब एग्जैक्ट इन्होंने बताया है फर्स्ट फ्लोर जनरल वार्ड। हाँ चलो चलते हैं। और मम्मी सब बढ़िया? घर में अकेले अकेले बोर हो गई मैं आज आपके बिना। हाँ मैंने कहा आपके साथ बातें बातें करते रहते थे, टाइम पास हो जाता था। पापा भी यहाँ पहले ही आ गए, हमें लगा था पापा के साथ आएंगे, पहले मैंने मन्नू को बोला। हाँ मन्नू कह रहे पापा तो पहले ही पहुँच गए वहाँ पे। हाँ बढ़ा ही रहे थे अभी, भैया भाभी नीचे ही थे यहाँ पे। मम्मी क्या कह रहे हैं अभी डॉक्टर्स? अभी हाँ अभी तो इन्हें ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ खांसी कम है? हाँ खांसी नहीं आ रही। हाँ नहीं आई ना? हाँ चलो सारा सही है ना टेस्ट। ये ग्लूकोज में पहले चला रहे थे। हाँ इंजेक्शन लगा के हाँ ब्लड ले गए हैं, जहाँ दिक्कत लगे तो एडमिट हो जाना चाहिए। एडमिट हो जाओ, अब हम जो चीज कर नहीं पाएंगे डॉक्टर को सब पता होता। तुझे याद है मैं उधर भगत नर्सिंग होम में कितनी बार एडमिट? हाँ जो अपना वो सागरपुर के आगे है, उन्होंने यही कहा था तो इमीडिएटली तुम वो लो जो मशीन। हाँ ये वो लेजर वाली। हाँ और आप भी कह रहे ये तुम्हारे घर में होनी चाहिए। हाँ जब भी पछाने तो ये तो अब जल्दी से बस अब ठीक हो गए एकदम, खांसी एकदम एक वो आनी नहीं चाहिए अब तो, खांसी को ठीक हो गया, अब घर आ जाओ ठीक है। टैबलेट भी खिला गए सिरप भी खिला गए, अब कह रहे और खिला दे टैबलेट और खिलाने हैं। ओके चाय पीने का अच्छा लाए हो? ओके ओके अब यहीं रहोगे आज? घर चलना है यहीं पे फिर खाना? हाँ मैं चेंज कर लो थोड़ा और खाना खा लो, बनाया मैं चावल और फ्रेंच फ्राइज भी बना रही थी मैं तो, अभी निकाल आई हूँ बीच में ही। हाँ खाना खा के पजामा वजामा बदल के फिर आराम से आ जाओ मम्मी के साथ, आपको आपको नहीं छोड़ने वाले पापा, साथ में है पापा। परी आई है दादू से मिलने आए हो? हाँ आज मिली नहीं ना दादू से, दादू को मिस कर लेते। हाँ दादू अच्छी है? चाची चाची अच्छी है? नहीं है। क्यों चाची अच्छी क्यों नहीं है? दादी आज कहाँ गए? हॉस्पिटल गए दादी? ओ दादी हॉस्पिटल गए? हाँ दादी को इंजेक्शन लग रहे, इतने बड़े वाले इंजेक्शन। आप तो सो गए थे जब दादी के पास गए थे, सो गए थे, दादी बता रही थी परी आई थी सो गई थी। हाँ शरीर को तरबूज ला दे परी, दादू क्या लाया है परी के लिए? तरबूज टेस्टी है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा। हेलो गाइस आप भी खा लो, तरबूज तो बहुत टेस्टी है ओए, खा लो बहुत मीठा है पापा तरबूज, अभी काटते हुए मैंने एक बाइट लिया है, बड़ा टेस्टी है। मजा आ गया इसको, परी का तो फेवरेट है ये, है ना?
हाँ सो बस गाइस डिनर करके ऊपर आए एंड बहुत जोर की नींद आ रही थी, कल भी थोड़ा लेट हुए थे, जल्दी उठ गई तो मैंने कहा आज टाइम से सो जाती हूँ। बस ये वाला जो ब्लॉगिंग करती हूँ मैं एंड जाने से पहले हमारे इस चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा गाइस, तो प्लीज़ जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। हम मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।